यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। समझता हूँ कि हिंदुस्तान बोखलाहट का शिकार है, पागलपन का शिकार है। कभी लव जहाज के नाम पे मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पे मुसलमानों को परेशान किया, तलाक सलासे के नाम पे परेशान किया रहा है। हिंदुस्तान में मुसलमानों की सबसे बड़ी दूसरी जमात जो अक्सरियत है वो मुसलमानों की है, और 17 करोड़ पे पाकिस्तान बन गया था। मैं समझता हूँ कि अब अगर यही सूरत हाल हिंदुस्तान के मुसलमानों की रही और उन्हें आप एक मुतालबा पेश करना चाहें कि हमें अलग मुल्क देना मिलना चाहिए। मुसलमानों की कंडीशन पैथेटिक है इंडिया में, दे आर लिविंग इन अ पैथेटिक कंडीशन। 2000 मुसलमानों का कातिल जो है वो हिंदुस्तान का वजीर आजम बन गए। जिन जनाब को अभी आप सुन रहे थे, इनका नाम है नासिरुल इस्लाम और ये जम्मू कश्मीर में डिप्टी मुफ्ती के पद पर आश्रित है। बहुत टाइम से जब से इनको मीडिया ने एक दो बार कवर किया तो ये ऐसे ही बयान देने के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि आप बयान से समझ ही गए होंगे किस टाइप के इंसान हैं और कैसी सोच रखते हैं। कश्मीर के हैं तो बाकी मुसलमानों से शायद जो हिंदुस्तान के बाकी मुसलमान हैं शायद उनसे उतना जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन जो इन्होंने कहा है वो बेहद ही मतलब इसे विवादित भी नहीं कह सकते, विवादित से भी आगे की चीज़ है, जो विभाजित बयान है, जो विभाजन की ओर हमें ले जाने की कोशिश कर रहा है और लोगों के दिल में ये डर पैदा कर रहा है कि क्या हमारे हिंदुस्तान के फिर से टुकड़े होंगे, क्या आने वाले वक्त में ऐसा कुछ होगा जो क्या हिंदुस्तान के मुसलमान कहीं ऐसा ये तो नहीं कि कुछ लोग अलग देश की मांग करने लग जाए, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि अच्छाई और बुराई दोनों के दो दो पहलू होते हैं और दूसरे पहलू के साथ भी कुछ लोग जुड़ जाते हैं, भले ही वो कम संख्या में हो लेकिन बहुत ज़्यादा असर डालते हैं। पहले मुफ्ती नासिरुल इस्लाम का बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर मुफ्ती जो नासिरुल इस्लाम है वो कैसे कहाँ से आते हैं, क्या कुछ करते हैं, कहाँ किस तरीके का उनका बैकग्राउंड रहा है। नासिरुल इस्लाम जो है मुफ्ती बशीरुद्दीन के बेटे हैं जो जम्मू कश्मीर के मुफ्ती आज़म कहलाते हैं, मतलब सीनियर मुफ्ती हैं उनके बेटे हैं और इन्हीं के पास डेप्यूटी मुफ्ती का पद भी है। और एक बार याद होगा जब कश्मीरी पंडितों के लिए अलग से कॉलोनी बसाने की मांग हो रही थी तो इन्होंने बड़ा पुरजोर उसका विरोध किया था, बाकायदा ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन इन्होंने किया और विरोध दर्ज उस वक्त भी कराया था। उसके अलावा जब सुप्रीम कोर्ट ने शरिया अदालतों को अवैध करार दिया उस वक्त भी इन्होंने उसको बहुत ज़ोर शोर से उसका विरोध किया था कि इस्लाम में किसी भी तरीके की दखल अंदाजी मंजूर नहीं है। वो एक अलग मुद्दे थे, इस्लाम में किसी तरीके की दखल अंदाजी मंजूर ना हो उसको बर्दाश्त एक बार किया भी जा सकता है कि ठीक है आपको अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं ना लगे लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो आपको मानना ही होगा। लेकिन अब जो इन्होंने बयान दिया है वो बेहद ही भयावह है, डराने वाला है और ख़तरनाक है। अगर इतने पर भी इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो फिर सोचने वाली बात ज़रूर है। जो नई मांग इन्होंने उठा दी कि भारतीय मुसलमानों को एक अलग से अब देश मांगना चाहिए क्योंकि सरकार उनकी कोई बात सुन नहीं रही है, जो मुसलमान अपना पक्ष रखना चाहते हैं उस पक्ष को सुन नहीं रही है सरकार, इसलिए जो है अब एक ही रास्ता है कि भाई वो अपने लिए अलग देश की मांग करें। इससे पहले हमारे देश से एक और टुकड़ा पाकिस्तान कटा था, वो विभाजन का दंश शायद आज तक आप ना भूले हैं, ना हम भूले हैं, ना कभी भूल सकते हैं। उसकी शुरुआत कैसे हुई थी ये भी इसमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ की सिचुएशन अभी हुई है तो उस वक्त की सिचुएशन क्या थी जब पाकिस्तान की नींव पड़ी, एक्चुअल में जब पाकिस्तान के लिए लोगों ने सपने देखने शुरू किए। ये बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं थी, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और ये 1930 से लगभग शुरू हुई। 1930 में जो शायर हैं मोहम्मद इकबाल, उन्होंने जो है ये मांग उठाई कि भाई जो चार राज्य हैं सीमावर्ती राज्य हैं जिसमें सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और अफगान, ये जो सीमावर्ती चार राज्य हैं इनको मिला करके एक अलग देश दिया जाए। इसी को जो है उस वक्त तक ही इसका कोई नाम नहीं दिया गया था,
तो 1933 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले चौधरी रहमत अली एक थे, उन्होंने सबसे पहले नाम दिया पाकिस्तान, के पाकिस्तान का जो है एक अलग से देश होना चाहिए मुसलमानों के लिए जिसका नाम पाकिस्तान हो, और बाद में 1947 में वही पाकिस्तान बना। जिस समय हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे और उस वक्त हमने लगभग 532 रियासतों को मिला करके एक हिंदुस्तान बनाया, एक देश बनाया, उसी देश में से कुछ हिस्सा पाकिस्तान बन गया, एक इस्लामी राष्ट्र जो कट्टरपंथ की नींव पर बना, और आज जो कुछ पाकिस्तान कर रहा है वो सबके सामने है। उसके बाद में 1971 आपको याद होगा, 1971 में जो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, और उसके बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ, उसमें कितने लोगों की जान गई, और 1947 में जब अलग एक और विभाजित देश बना उसमें कितने लोगों की जान गई, उसके बाद से क्या पाकिस्तान बनने के बाद से हम दोनों देश चैन से बैठे हैं, क्या उस सब एक देश बनने के बाद सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई, क्या भारत के मुसलमान ज़्यादा खुश हैं या फिर पाकिस्तान के मुसलमान ज़्यादा खुश हैं? ये पैमाना होना चाहिए ना कि जब अगर नासिरुल इस्लाम ये कहते हैं कि अलग देश की मांग करनी चाहिए, तो जो देश मुसलमानों ने अलग लिया है नासिरुल इस्लाम ये पहले देख कर बताए कि वहाँ के लोग ज़्यादा खुश हैं, यहाँ जो मुसलमान रह रहे हैं वो ज़्यादा खुश हैं, इवन जो बाकी कम्युनिटीज़ के लोग भी रह रहे हैं, चाहे वो बहुसंख्यक हो या ईसाई हो या बौद्ध हो या बाकी जो और धर्म हिंदुस्तान में रह रहे हैं। अब बात जो मुस्लिम कंट्रीज़ अभी तक हैं दुनिया में, जो बनी है बाद में या जब से भी थी, उनकी हालत क्या है? जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, अगर अरेबियन कुछ कंट्रीज़ को छोड़ दिया जाए, चंद कंट्रीज़ को अरब की, उसके अलावा सारी कंट्रीज़ की हालत ऐसी है, सारे देश जो है कुछ आतंकवाद से जूझ रहे हैं, कुछ के पास खाने के लिए नहीं है, कितने देश ऐसे हैं जो बिल्कुल अभी बर्बादी की कगार पे हैं, मिटने की कगार पे हैं, उसमें लीबिया है, सीरिया है, फ़लस्तीन है, और भी बहुत सारे हैं, कारण कुछ भी रहे हों, लेकिन ये वो देश हैं जो प्योर मुस्लिम देश थे और अब ख़त्म होने के कगार पे हैं। इराक में क्या कुछ इस वक्त है, वहाँ के लोग कैसे जी रहे हैं, ये आपके सामने है। तो अफ़गानिस्तान में कैसे लोग जी रहे हैं, कैसे वहाँ की हालात हैं, पीछे और भी ज़्यादा ख़राब थे हालांकि अब कुछ सुधरे हैं, वहाँ के लोग कैसे जी रहे हैं ये आपके सामने है। बांग्लादेश की क्या हालत है ये आपके सामने है, पाकिस्तान की क्या हालत है ये आपके सामने है। इसके अलावा भी न जाने कितने छोटे छोटे देश हैं, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, तंजानिया, और ही न जाने ऐसे कितने देश जो मुस्लिम बहुल हैं, जो मुस्लिम धर्म जिसमें ज़्यादा निवास करता है, उनकी हालत कैसी है। तो उन देशों के बिहाफ पर हमें अपने देश को रखना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि हम उनसे कितना आगे हैं, हम धर्मनिरपेक्ष भी हैं, हमारे यहाँ हम क्या कोई भी व्यक्ति जिस तरीके से हिंदुस्तान में खुलकर अपनी बात रख सकता है, अपने एक्सप्रेशन ऑफ जिसे कहते हैं कि भाई बोलने का जो अधिकार है, क्या वो पाकिस्तान में ज़्यादा है या हिंदुस्तान में ज़्यादा है। रही बात कश्मीर की, तो कश्मीर को एक अलग तरीके से इसलिए देखा जाना चाहिए कि अभी जो कश्मीर के हालात बने हैं वो बहुत जुदा हैं, बाकी हिंदुस्तान के मुसलमानों को उनसे जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि जो कश्मीर के हालात अभी मौजूदा दौर में हैं उसके हिसाब से बाकी जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उनको मेरे ख्याल से अलग इसलिए रखा जाना भी ज़रूरी है, क्योंकि दोनों ही एक कम्युनिटी से बेशक आते हैं लेकिन सोच में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो कहीं ना कहीं जो नासिरुल इस्लाम ने सवाल उठाया है वो एक तो पहली चीज़ कि उन पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, वहाँ की सरकार को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको तुरंत प्रभाव से देशद्रोह का मुकदमा लगाया जाए, क्योंकि हिंदुस्तान में रहकर अगर कोई अलग देश की मांग करता है तो वो पूर्ण रूप से देशद्रोही है, देशद्रोह का मुकदमा उस पर दर्ज होना ही चाहिए, भले ही वो किसी भी कम्युनिटी से आता हो, किसी भी समाज से आता हो या कितने ही बड़े पद पर क्यों ना हो, क्योंकि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता और ना ही करना चाहिए। तो क्या नासिरुल इस्लाम के बिहाफ पर भारत जो कश्मीर सरकार है वो नासिरुल इस्लाम पर कोई एक्शन लेगी, क्योंकि कश्मीर में बीजेपी की के अलायंस की सरकार इस वक्त चल रही है, तो उसको एक्शन लेना चाहिए। बीजेपी सो कॉल्ड सबसे ज़्यादा देशभक्त पार्टी है अभी इस पूरे जितने भी राजनीतिक दल हैं उन सब में, तो एक्शन होना चाहिए, लेकिन कब होगा ये देखना अभी बाकी है।
बाकी नासिरुलइस्लाम का आपने बैकग्राउंड देखा, किस तरीके की उनकी हरकतें पिछले कुछ वक्त में रही हैं। उसके अलावा जो बाकी देश अलग गए बने हैं उनकी हालत आप देख ही रहे हैं। इसके अलावा जब हिंदुस्तान आज़ाद हो रहा था, 1947 का ही दौर था वो, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे का फैसला हो चुका था और महात्मा गांधी अनशन पर बैठे थे बंगाल में, वो उस वक्त जो मारकाट जो भी कुछ हुई, उसके बाद दो देश अलग हो गए, पाकिस्तान बन गया, भारत इधर भारत बन गया। उसके बाद भी कई रियासतें ऐसी थीं जो अलग रहना चाहती थीं। उसमें गुजरात की एक रियासत थी, राजस्थान की रियासत थी, हैदराबाद थी और जम्मू कश्मीर भी शामिल थी। जम्मू कश्मीर किस तरीके से भारत में आया वो सबको पता है। और उसके अलावा राजस्थान की बाड़मेर और गुजरात, इन सारी ऐसी छोटी छोटी 532 रियासतों में से 6 या 7 रियासतें ऐसी थी जो विरोध कर रही थी, लेकिन उनको शामिल किया गया और आज कोई नहीं जानता, किसी को नहीं पता कि कहाँ कहाँ रियासतें थीं। तो जिस तरीके से देश ने 70 से ज़्यादा सालों में एकजुटता दिखाई है और इस अखंड भारत का जो सपना है उसको हमने जिया है, उसको हमें साकार करने के लिए और उसको उस सपने को जीते जी साकार करने के लिए हमें क्या करना होगा? नासिरुलइस्लाम जैसे लोगों को उनकी जगह दिखानी होगी, उन्हें बताना होगा कि हिंदुस्तान में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह है नहीं। आपको अगर अलग देश चाहिए तो आप बेशक जा सकते हैं यहाँ से, लेकिन हिंदुस्तान में इस तरीके की बातों के लिए कोई जगह नहीं है, भले ही वो कितने ही बड़े पद पर क्यों ना बैठा हो। और अब ये सारा कुछ कश्मीर की सरकार पर निर्भर करता है कि बीजेपी की अलायंस की सरकार किस तरीके से इस पर एक्शन लेती है, क्योंकि नासिरुलइस्लाम ने खुले तौर पर बोला है। बाकी सब आपके सामने है।